दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। तो दोस्तों फर्स्ट वैकेंसी बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसीज हैं। मैं आपको पहले बता दूं ये वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, यहाँ पर ड्रिलिंग हेडमैन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों पास टेंथ चाहिए, जो अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से हो, थ्री ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, और मस्ट हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया ऑलरेडी, और यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट बता दी गई है, जनरल के लिए 18 से 35 और एस सी एस टी के लिए 18 से 40, ओबीसी के लिए 18 से 38। इस तरीके से यहाँ पेमेंट ऑलरेडी बता दिया गया आपको। नेक्स्ट बात में ट्रेडिंग मैन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 10th पास वही चीज़ है यहाँ पर भी, और ट्रेड सर्टिफिकेट एनी ट्रेड गवर्नमेंट से अप्रूव वाला इंस्टीट्यूट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी बता दी गई है ऑलरेडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी, यहाँ पर पास क्लास 10th जो गवर्नमेंट से अप्रूव बोर्ड, और यहाँ पर सेकेंड है कि पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो वो भी अप्रूव होना चाहिए, मस्ट प्रोसेस वैलिड इलेक्ट्रिकल, जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट पेमेंट सब बता दिया गया है। नेक्स्ट है केमिकल असिस्टेंट, यहाँ पे बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट जो है अप्रूव यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पे आपको बता दिया गया एज लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर दोस्तों पास 10th जो किसी से अच्छे ऑलरेडी उसी तरीके से 10th पास होना चाहिए अच्छे से, और 2 ईयर कोर्स जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट विद जो ऑथराइज होना चाहिए, और पार्ट एंड क्लास 1st एंड 2nd इश्यू बाई इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड, ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्रिलिंग टॉप मैन के लिए वैकेंसी ऐसी, यहाँ पर 10th मांगा गया, ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, असिस्टेंट मशीन पंप, और यहाँ पर भी दोस्तों 10th और ट्रेड सर्टिफिकेट और 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर नेक्स्ट है गैस, दोस्तों यहाँ पर पास 12th साइंस से होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट जो ICE के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 10th चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल जो रिजर्वेशन है वो चीज़ यहाँ पर बता दी गई हैं आपको, अंडर 54 SC 8 ST 14 OBC 32 EWS 11, इस तरीके से बताई गई हैं। पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो कितना पीरियड है वो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, तो 6 मंथ का इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सिलेक्शन का तरीका यहाँ पर बता दिया गया है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, तो वॉकिंग और स्किल टेस्ट उस बेस पे यहाँ पर होने वाला है, और यहाँ पर बता दिया गया है किसका कब होगा, क्या एड्रेस पर होगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 24 तारीख से स्टार्ट है, और मतलब 7/6/2021 तक चलेगा, पूरा यहाँ पर बता दिया गया है, पूरा शेड्यूल दिया गया, डेट एंड टाइम पूरी चीज़ यहाँ पर दी गई है, देख रहे हो आप, तो पूरी चीज़ यहाँ पर दी गई है ना, आप अच्छे से देख सकते हो दोस्तों, पूरा तरीके से यहाँ पर समझाया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रोसेसिंग करनी है, टर्म्स कंडीशंस बताए गए यहाँ पर, तो वो चीज़ों के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से, ठीक है। अब आपको देखो ऊपर एक लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको आना है, इस लिंक पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा ये वाला, तो इसका लास्ट डेट 22/6/2021 है और मिडनाइट 11:59, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोसेस है, वो नोटिफिकेशन को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, और पूरा क्योंकि आप COVID-19 पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ जाना है, तो आप यहाँ पर पढ़ें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे राष्ट्रीय डिजाइन संस्था हरियाणा, यहाँ पे दोस्तों
जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 19 जुलाई 2021 है, और यहाँ पर सीनियर सुप्रीडेंट के लिए वैकेंसीज हैं। जो दोस्तों यहाँ बैचलर डिग्री मांगा है कॉमर्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी चलेगा, लेकिन वो अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट। ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है तो वो चलेगा नहीं। पेमेंट यहाँ पर बता दी गई है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ बता दिया गया पहले से ही, और वो भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पर भी बैचलर मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और यहाँ पर भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है लाइब्रेरी से, साइंस इंफॉर्मेशन साइंस, और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन उससे होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर का यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पे अगर आपने एमफिल पीएचडी किया है रिलेटिव या डिग्री डिप्लोमा किया है तो उसे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा ही। और नेक्स्ट बात करूँ डिजाइन के लिए वैकेंसीज है, तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटिव जो आपका ब्रांच एरिया सब्जेक्ट और यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री किया है आपने तो यहाँ बता दिया गया है, डिग्री किया है तो आपने डिग्री भी चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटिव ब्रांचेस, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिग्री भी चलेगा वो, जहाँ पर डिग्री के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो ये आपको रिलेटिव बता दी गई। सीनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, वहाँ पर बैचलर डिग्री कॉमर्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा, एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा लैब, वो भी आपका फाइनेंस से अकाउंट से। नेक्स्ट है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, जहाँ पर तो बैचलर डिग्री मांगा रिलेटिव, और यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। सीनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा गया है, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और यहाँ एक्सपीरियंस है रिलेटिव तो आपको प्रेफरेंस यहाँ दिया जाएगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, जहाँ पर SSC विद IT इलेक्ट्रिकल ट्रेड अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस, या आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर SSC विद IT रिलेटिव जो रिलेटिव ट्रेड से होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस, या आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेटिव होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट एडमिन और लाइब्रेरी, यहाँ बैचलर डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, बस इतना है। और फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बाकी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे 3 यहाँ पर सारी स्ट्रीम्स बताई गई हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना रहेगा, ठीक है। एज लिमिट, फी 500 रुपये लगने वाला है, और यहाँ पर बता दिया गया है कि फी DD बनाना पड़ेगा, और वो दोस्तों यहाँ बता दिया गया ऑलरेडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के नाम से बनाना रहेगा, पूरा इसका एड्रेस दिया है कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दी गई यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो है आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, और आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर रोक लीजिए। सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू मेनली है, ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, और आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो भी डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो कम्युनिकेशन उनसे ईमेल पे किया जाएगा, मतलब बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो सारी जानकारी दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, तो
तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो आपको देखो अपना जो एप्लीकेशन लेके यहाँ पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो, उसके साथ अटैच करनी है कॉपी जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सैलरी सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें, VC हैं अगर NOC है तो वो भी, और फोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड करनी रहेंगी यहाँ पे साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट है 19 जुलाई 2021, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन बाकायदा लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर दी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ पर डालना है, ये ध्यान रखें अच्छे से, और नहीं तो क्या है कहाँ पर क्या पहुँच जाएगी और मालूम भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन मारने के लिए आपको ये लिंक पे जाना है, और आपको यहीं पे नीचे यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें और फॉर्म को अच्छे से भर दें, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी गुजरात इंसेफ्टीसाइड लिमिटेड, यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, ITI इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं GAURAV.DESAI@GILGHARDA.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो EHS के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव के लिए एक पोजीशन है, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया API का, मिनिमम डिप्लोमा इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी से होना चाहिए, और आपको नॉलेज यहाँ पे बता दिया गया रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है QA के लिए, QMS, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन BSc MSc B Pharma M Pharma मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ QA एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस BSc MSc B Pharma M Pharma मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों जॉब लोकेशन बता दी गई है, वडोदरा गुजरात में है, मेल ID दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, NEHA.DAMANIA@EXEMEDPHARMA.com। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे देख क्वालिटी कंट्रोल के लिए B Pharma मांगा गया है, और यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल हेड के लिए वैकेंसी है, 5 ईयर एक्सपीरियंस, और ये मेल ID दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, GKHEALTSCARE2018@gmail.com। तो दोस्तों लास्ट वैकेंसी यहाँ पर, लेकिन मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा तो अगले पार्ट के लिए वेट करें। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एनालिटिकल सर्विस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस MSc केमिस्ट्री से मांगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मेल ID दी गई जिस पर अपना CV डॉट फॉरवर्ड कर सकते हैं, GEARALDROD RIGUES@SRL.SEQUENT.IN। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए 8727078315, और भी सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, और मेल ID भी दी गई जिस पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करो, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अंदर से। जय हिंद जय भारत।